हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। देखो, इस क्वेश्चन में आपको मोबिलिटी कैलकुलेट करना है, दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये कैलकुलेट करना है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमको पता है, यू नो द फॉर्मूला राइट? इट इज इक्वल्स टू 3 × (n-1) - 2j माइनस एच, वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स, जे है आपके नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, एंड एच जो है वो आपका है नंबर ऑफ हायर पेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक को काउंट करते हैं। ये आपका हो गया 1, फिक्स लिंक 1, ये हो गया 2, सेकेंड लिंक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो ये आपका हो गया लिंक 2। ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइडर है, देखिए ये स्लाइडर जो है इसके अंदर स्लाइड करेगा, वो हमारा मान लेते हैं लिंक 3, एंड देन ये लिंक 4, एंड देन ये वाला हमारा लिंक 5 है, एंड देन ये जो आपका ये है लिंक 6, ये जो सर्कल है, एंड देन यहाँ पे भी एक स्लाइडर होगा, जो कि आपका लिंक 7 है, एंड देन अगेन ये 1। सो नंबर ऑफ लिंक एन की वैल्यू आ गई 7, नंबर ऑफ लिंक आ गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जे की वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, ठीक है, जे की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ लोअर पेयर्स। नंबर ऑफ लोअर पेयर्स कितने होंगे? देखिए ये हो गया आपका 1। ठीक है, लोअर पेयर्स में आपके रिवॉल्यूट पेयर्स भी आते हैं एंड स्लाइडिंग पेयर भी आता है। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 1, ये आपका हो गया 2 रिवॉल्यूट पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 रिवॉल्यूट पेयर्स है, किसके किसके बीच में? देखो, एक 4 एंड 3 के बीच में, 3 जो है आपका स्लाइडर है, और 5 एंड 3 के बीच में, तो ये दोनों आपके क्या है? देर आर 2 रिवॉल्यूट पेयर्स। ठीक है, दिस आर द 2 रिवॉल्यूट पेयर्स, और साथ में 3 एंड 2 के बीच में, 3 एंड 2 के बीच में आपका एक बनेगा क्या? स्लाइडिंग पेयर। सो टोटल हमारे पास 3 लोअर पेयर्स हो गए इस जगह पे। ठीक है, 3 लोअर पेयर्स, यहाँ पे आपका 1 लोअर पेयर, तो टोटल 4 लोअर पेयर हो गए। ये आपका देखो 1 लोअर पेयर यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे देखो 2 लोअर पेयर्स। कैसे कैसे? 5 एंड 7 के बीच में, 5 एंड 7 जो यहाँ पे स्लाइडर है उनके बीच में आपका एक रिवॉल्यूट पेयर होगा, स्लाइडर एंड ये जो स्लाइडर है 7 एंड ये 6 इनके बीच में स्लाइडिंग पेयर होगा। सो 2 लोअर पेयर्स वहाँ पे और यहाँ पे एक 1 लोअर पेयर। तो सारे लोअर पेयर्स को काउंट करिए, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 6 7 8, तो J की वैल्यू हो जाएगी 8, और हायर पेयर तो आपका 0 है, तो इस फॉर्मूले में रखिए, आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, F की वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट, ठीक है, 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट बिलो। ओके, थैंक यू।